अमोल दीपक केड़कर है, मैं एक साइकेट्रिस्ट सेक्सोलॉजिस्ट डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ और केड़कर हॉस्पिटल अकोला में जो है रामदास पेट अकोला महाराष्ट्र में इंडिया में वहाँ मैं एज अ साइकेट्रिस्ट हूँ। जो आज टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो टॉपिक का नाम है पोस्ट पार्टम साइकोसिस, मतलब डिलीवरी के या प्रेगनेंसी के दौरान होने वाला जो साइकोसिस है या मानसिक बीमारी है वो टॉपिक मैं आपके सामने आज लेकर आया हूँ। हम बहुत सारे ऐसे केसेस देखते हैं जिसमें डिलीवरी के दौरान मतलब डिलीवरी के जस्ट पहले या डिलीवरी के बाद में पेशेंट का मतलब जो लेडीज पेशेंट है उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। उसमें होता क्या है कि पेशेंट को डर लगने लगता है कि कोई उसे या अपने बच्चे को मारने आने वाला है, घबराहट पैदा होती है, अलग अलग कानों में आवाज आने लगती है, एंग्जाइटी मतलब बेचैनी होने लगती है, टेंशन आने लगता है, ऐसा लगता है कि पूरी जो दुनिया है वो उनके पीछे ही पड़ी है, ऐसा लगता है मैं मर जाऊंगी या मेरा बच्चा मर जाएगा, कोई जिंदा नहीं रह पाएगा, या ये बच्चे को या मैं अच्छे से संगोपन कर पाऊंगी या नहीं, ऐसे अलग 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 विचार पेशेंट को आने लगते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है डर। पेशेंट को हर एक व्यक्ति का डर लगने लगता है, हर व्यक्ति जो उसके आसपास है जैसे हस्बैंड सासू सासू माँ या ससुर उन सभी का वो व्यक्ति को वो लेडीज पेशेंट को डर लगने लगता है। उसको लगता है कि लोग मेरे पीछे पड़े हैं, लोग मेरे बच्चे को मारने वाले हैं, ऐसा डर वो व्यक्ति को लगता है। छोटी मोटी आवाज भी हुई तो वो पेशेंट को लगता है कि ये मेरे कानों में आवाज गूंज रही है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के लक्षण पोस्टपार्टम साइकोसिस में दिखते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो सिम्टम्स है वो दिखते क्यों है। ये सिम्टम्स दिखने के बहुत सिंपल सिंपल रीजन है। नंबर एक, पेशेंट जो है लेडीज पेशेंट वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस से गुजर रही होती है। जैसे सभी लोग जानते हैं डिलीवरी का पीरियड एक बहुत ही स्ट्रेसफुल पीरियड है और इसमें अलग अलग प्रकार के स्ट्रेस वो फीमेल पेशेंट से वो गुजरना पड़ता है, नंबर एक। नंबर दो, अलग अलग हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, उसके वजह से पेशेंट डिस्टर्ब हो जाता है। और नंबर तीन, एडिक्वेट खाना और एडिक्वेट स्लीप मतलब नींद न होना, उसके वजह से पेशेंट डिस्टर्ब हो जाता है। इसमें ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो पेशेंट्स है और उनकी फैमिली जो है उनको ये ध्यान में नहीं आता कि एक्चुअली ये मेंटल इलनेस है, मानसिक बीमारी है। उनको लगता है कि हमारे जो बहू है या हमारी जो लड़की है उनके ऊपर कोई काला जादू हुआ है, हमारे बच्चे के ऊपर कोई काला साया हुआ है, लड़का हुआ है इसलिए काला जादू हुआ है, लड़की हुई इसलिए काला जादू हुआ है, ऐसे अलग अलग प्रकार के ख्याल वो फैमिली के ऊपर आने लगते हैं। क्योंकि होता क्या है कि पहले तो ये पेशेंट पूरी तरह नॉर्मल होती है लेकिन तुरंत डिलीवरी के बाद एक दो हफ्ते में या एक दो महीने में पेशेंट का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। तो पेशेंट और उनके हस्बैंड और उनके जो फैमिली है वो ये डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता कि ये पेशेंट को एक्चुअली मेंटल इलनेस हुआ है। जो नेबर्स होते हैं, दूर दूर के रिलेटिव्स होते हैं, वो उनको सजेशन देते हैं कि आप फकीर के पास जाओ, बाबा के पास जाओ, साधु के पास जाओ और उनसे ट्रीटमेंट कराओ, और वो धीरे 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 बीमारी बढ़ने लगती है। लेकिन ताज्जुब की बात ये है कि 90% जो पेशेंट्स है वो हमारे पास बाद में आते हैं, दो तीन महीने बाद आते हैं। पहले वो हकीम के पास जाते हैं, फकीर के पास जाते हैं और फिर भी उनको बीमारी अगर अच्छी नहीं हुई तो फिर वो हमारे पास आते हैं। ये वीडियो के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ लोगों को कि ये 100% क्यूरेबल और ट्रीटेबल बीमारी है। जो पोस्टपार्टम साइकोसिस है वो 100% बीमारी ट्रीट हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे ही बीमारी डिटेक्ट हो, कोई भी एबनॉर्मल बिहेवियर अगर हमें डिलीवरी के बाद पेशेंट का दिखता है तो उनको तुरंत आप साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाना चाहिए। ये बीमारी किसको भी हो सकती है, इसमें अमीर गरीब या रिच पुअर या रिलीजन कोई अलग हो ऐसा कुछ नहीं है, ये बीमारी किसी को भी देख सकती है। मैंने खुद ने बहुत ही अच्छे क्वालिफाइड लोगों को ये बीमारी होते हुए देखा है। तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है कि ये बीमारी हमारी लड़की को कैसे हो गई, इसमें कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये व्यक्ति को साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाना बहुत जरूरी है। कोई भी सिम्टम हमें अगर एबनॉर्मल लगे, जैसे डिप्रेशन है या अलग अलग प्रकार की आवाज या डर लगना, फियरफुलनेस या वरी लगना, ऐसे कोई भी टेंशन अगर पेशेंट को लगे तो आपने तुरंत साइकेट्रिस्ट के पास लेके आना चाहिए।
हम एज अ साइकेट्रिस्ट हम सबसे पहले पेशेंट को इवैल्यूएट करते हैं, पेशेंट का डायग्नोसिस करते हैं, फिर उसके हिसाब से पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। ये बीमारी 100% अच्छी हो सकती है। ये बीमारी में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इफेक्टिव जो ट्रीटमेंट है वो मेडिसिन, अलग अलग प्रकार के एंटीसाइकोटिक्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल है जो हम पेशेंट को देकर पेशेंट 100% अच्छा हो सकता है। साथ ही में हम पेशेंट को रिलैक्सेशन थेरेपी सिखाते हैं और काउंसिलिंग सिखाते हैं। ये अगर काउंसिलिंग और रिलैक्सेशन थेरेपी पेशेंट अगर सीख गया तो पेशेंट पूरी तरह ठीक हो सकता है। साथ में ही माइंडफुलनेस और बायोफीडबैक ऐसे अलग अलग थेरेपीज हैं जिसमें पेशेंट को हम रिलैक्स करना और जो सिचुएशन है उसको समझना और उसको अडेप्ट करना हम सिखाते हैं। उसके वजह से पेशेंट धीरे धीरे सिचुएशन को अडेप्ट होता है। ऐसे अलग अलग प्रकार की ट्रीटमेंट हम पोस्टपार्टम साइकोसिस में दे सकते हैं। और अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो ये वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जल्दी और वीडियोस ये टॉपिक के ऊपर भी लेके आऊंगा। धन्यवाद। I only call you when it's